नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड बताने। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बनाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, इससे शुरुआत करते हैं। तो आज है 25 सितंबर और टाइम हमारा दिन के 2:30 बज रहा है और मार्केट ऑफ है, सैटरडे है क्योंकि। तो अब एक शेयर और है जो काफ़ी दिन दो तीन दिनों से लगातार गिरता जा रहा है, क्या अभी भी और गिरावट होगी ये समझते हैं, क्या सही समय से इन्वेस्ट करना है ये भी समझते हैं। तो कंपनी जो मैंने ओपन कर रखा है, कंपनी के मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, बी एल एस इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। ठीक है, कंपनी क्या करती है थोड़ा सा वो समझते हैं। ओवरव्यू, कंपनी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रही होगी। तो कंपनी क्या करती है, वीज़ा प्रोसेसिंग में काम करती है, सिटीजन इन फ्रंट एंड सर्विस देती है। ठीक है, कौंसुलर करती है कंपनी। ठीक है, बायोमेट्रिक पे काम करती है कंपनी, आइडेंटिटी कार्ड बनाती है, बायोमेट्रिक मैनेजमेंट करती है, ई वीज़ा करती है और वेरिफिकेशन असिस्टेंट सर्विस करती है। ठीक है, तो ठीक है, वैल्यू एड सर्विस का भी काम करती है। तो कंपनी जो करती है मोस्ट ऑफ द इस पास गवर्नमेंट के सेक्टर पे काम करती है कंपनी। ठीक है, एज वेल एज कंपनी के लिए भी काम करती है कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट, ये देखो, पार्टनर फॉर गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स। तो बी एल एस इंटरनेशनल का काम आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या करती है, कैसे है, कंपनी का वेंचर क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। बाकी आप खुद जाएंगे वेबसाइट पे ऊपर, आप सब बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। ये कंपनी का ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर पूरा एनालाइज करके समझाना बहुत ही हार्ड होता है। बस मोटा मोटा समझिए और इन्वेस्टमेंट करना है इन करना ये भी समझिए। प्लीज़ वीडियो का पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए, अब मैंने गूगल पर ओपन कर लिया, BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड का शेयर ओपन कर लिया मैंने गूगल के अंदर। आपको ये पूरा इसका ओवरव्यू है। तो ये कंपनी क्या कर रही है इस टाइम पे, वर्किंग क्या है ये समझते हैं। तो BLS इंटरनेशनल सर्विस का जो ओवरव्यू है, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, ये 1.5% 2% की गिरावट भी पहुंच चुकी थी इसके अंदर। ये देखिए, ओपन होता 236 रुपये का, हाई मारता 242 रुपये का, लो मारता 229 रुपये का। 52 हाई है इसका 309 रुपये का, 52 लो है 71 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू है चार्ट गूगल पे, यानी कि किस तरह से ट्रेड कर रहा है, 52 हाई और लो क्या है इसका, ये मैं आपको समझाया ओवरव्यू गूगल पे। ठीक है, तो ये देखिए, ओपन अच्छा हुआ, हाई अच्छा मारा इसने, फिर भी गिरावट क्यों हुई ये और समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू समझते हैं कंपनी का, मार्केट कैप क्या है ये थोड़ा समझते हैं कंपनी के बारे में, क्या अच्छी बातें समझते हैं। तो मार्केट कैप है 2,359 करोड़ रुपये का है, ROC थोड़ा सा वो है, बाकी इसका बिग बुक वैल्यू देखिए 44 रुपये से। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि बुक वैल्यू इतने चल रही है और कंपनी का शेयर इससे 2 गुना 3 गुना चल रहा है इस टाइम पे। तो ये थोड़ी बहुत समझने की बात है, क्योंकि बुक वैल्यू कंपनी के पास इतना फंड ही नहीं है और जिस लेवल पर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात होती है। तो फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है, थोड़ा ये ROE भी थोड़ा सा सही है। बाकी अब देखिए कंपनी के प्लस पॉइंट क्या है, कंपनी हैज़ रिड्यूस, कंपनी अपना कर्जा कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री हो चुकी है, कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है। एक प्लस पॉइंट ये हो गया कंपनी के बारे में, 3 प्लस पॉइंट थे ये। अब देखिए रेवेन्यू कितना था कंपनी का, क्योंकि देखिए कोविड के चलते और जब लॉकडाउन लगा था, वीज़ा प्रोसेसिंग काफ़ी चीज़ों की रोक हो गई थी। ठीक है, उसके बाद से जैसे जैसे अनलॉक होता गया वैसे वैसे इनके बिजनेस में ग्रोथ होती गई। देखिए जून के अंदर इन्होंने एवरी क्वार्टर बाई क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे देना स्टार्ट कर दिया, दिसंबर के अंदर 150 करोड़, वही मार्च के अंदर 2021 के अंदर 145 करोड़, ये देखिए 179 करोड़ की, यानी कि ग्रोथ, यानी कि रेवेन्यू करा इन्होंने, सेल्स करी। ठीक है, एक्सपेंस करे, फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट 19 करोड़, ये देखिए 13 करोड़, 19 करोड़। ठीक है, वहीं इनका EPS, बाकी मार्च के अकॉर्डिंग इनका जून के अंदर EPS डाउन हुआ। ठीक है, अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ, ये भी थोड़ी समझने वाली बात है, फिर भी शेयर भाग रहा था, क्या वजह थी ये भी समझते हैं। जिस लेवल पे अभी कंपनी शेयर ट्रेड कर रहा है वो लेवल अभी समझ से बाहर है। और इसकी देखिए सेल्स कितनी जा रही है, ये देखिए, यानी ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे तो पिछले मार्च 2021-2020 के अंदर सेल्स हुई थी 786 करोड़ रुपये की, वहीं मार्च 2021 के अंदर 478 की सेल हुई थी। EPS किसका डाउन हुआ है, यानी टेक्निक चार्ट के, यानी कि जो अर्निंग्स है उसके अकॉर्डिंग शेयर का है, जो शेयर की रेवल्यूशन है, शेयर की वैल्यू है, वो काफ़ी मल्टीप्लिकेशन पर ट्रेड कर रही है। ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग समझ लिया, कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि कंपनी के इतनी अर्निंग्स नहीं हो रही, इतना प्रॉफिट नहीं जा रहा, शेयर उसका भाग चुका है। वो भागने की वजह क्या है, एक दो न्यूज़ आपको थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में शेयर करता हूँ आपको। ये देखिए, एक प्रोजेक्ट लिया था, ठीक है, BLS इंटरनेशनल ने टाइट्स किया था, जो
आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है अक्रॉस इंडिया के अंदर, उनको अथॉरिटी मिल गई थी, ये अथॉरिटी इनको मिली थी 14 सितंबर को मिली थी। उसके बाद से भी उसमें कुछ और न्यूज़ चली थी, बाकी निफ्टी का सपोर्ट मिला था, शेयर ऑटोमेटिक भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी बुल रन चल रहा है, बुल रन में हर कोई कंपनी तेज़ी से भाग रही है, ठीक है, अपने वैल्यू से ओवर वैल्यूएशन पर भाग रही कंपनी। तो ये थोड़ी सी व्यूज था। अब देखिए ये टिकट एक भी साइड पर आ गई, थोड़ा सा ओवरव्यू है कंपनी का, बाकी प्रॉफिट मेकिंग है फ्री ईयर कंपनी, बाकी जिस तरह से भाग रही है अब ये लूज को कर रही है इसका समझते हैं, ये गिर क्यों रहा था ये और समझते हैं। ये देखिए अब मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, अब ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये 2306 यानी अपनी 52 हाई के बाद से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्टिव हुआ, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 23 तारीख को भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग दबा की हुई, फिर 24 तारीख को भी अच्छी दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई, और ये प्रॉफिट बुकिंग अभी रुकेगी कब ये समझाता हूँ मैं आपको। मुझे लगता है कि ये 142 तक इस पर, मेरे को लगता है कि यहाँ से 200 रुपये तक डाउन जाएगा, 200 के अगर 200 का लेवल सपोर्ट कर जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल है, बुलिश कैंडल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 200 रुपये पे तो ये टिक जाएगा, यहाँ करेक्टिव होकर फिर से आप ट्रेंड की तरफ आ सकता है, अदरवाइज 200 का लेवल तोड़ेगा तो 142 तक के लेवल है, क्योंकि देखिए 142 पे दो जगह इस पर सपोर्ट है, 132 पे, 142 का लेवल तोड़ेगा यहाँ से तो 132 पे जाएगा ये, तो अभी इसमें गिरावट है क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग दबा के हो रही है, क्योंकि जिस तरह से भागा है उस तरह से भागने नहीं था, क्योंकि इसकी आपने बुक वैल्यू भी देखी और बाकी इसका रेवल्यूशन देखी कितनी तेज़ी से भागा शेयर, तो आपको शेयर के अंदर बस क्या करना है, वॉच लिस्ट के अंदर अपना रखना अपनों, ठीक है, तो उसके बाद आपको बाय नहीं करना, अगर आपने ऊपर लेवल पर बाय करा तो प्लीज़ होल्ड करिए, अगर आपको छोटा मोटा नुकसान होता तो भी आप इसमें एग्जिट हो जाइए, बाकी मेरा मानना है कि अभी ये 200 का लेवल तोड़ेगा तो 200 के लेवल के बाद ये अगर नीचे गिरता तो ये 145-150 तक के लेवल आपको दिखा देगा, जब इसमें समय होगा 100-150 से लेके 140 से लेकर 150 के बीच में बाय करिए, फिर इसमें दोबारा से अप ट्रेंड है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट बुकिंग तो हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ देखिए ये बुलिश कैंडल ट्रेड है 145 लेवल पे, यहाँ भी 145 रुपये पे के आसपास ही इसमें बुलिश यानी हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग है, तो ये लेवल देखने वाले होते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी 200 जब ये 200 का लेवल तोड़ेगा ये अपना तो डेफिनेट इसमें अच्छी गिरावट होगी, क्योंकि 200 पे अच्छी बुलिश ट्रेंड है दो जगह, बाकी वॉल्यूम नहीं है, बाकी वॉल्यूम के साथ नहीं, बाकी बुलिश कैंडल के साथ सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पे अगर टिक गया तो फिर से अब ट्रेंड आएगा, नहीं टिका तो तेज़ी से गिरावट आएगी, फिर बेरिश कैंडल्स बनेंगे इसके अंदर, तो हम अपन को क्या करना है इसमें बस देखना, वॉचिंग लिस्ट पर रखना है इसको, बाय नहीं करना, इसे दूरी बना करके वॉचिंग लिस्ट पर रखिए, जब भी ये 140 और 150 के बीच में आता है और 200 पे करेक्शन ले लेगा तो फिर से अब ट्रेंड आएगा, अगर ये 140-150 के बीच में आता है तो इसमें डेफिनेटली बाय करिए, फिर से आपको अब ट्रेंड मिलेंगे 200 तक लेवल फिर मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।